हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज सभी टिकटॉक यूजर्स के लिए एक नई खुशखबरी है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि टिकटॉक को बहुत रोस्ट किया जा रहा है और टिकटॉक को बैन करने की खबर भी बहुत सुर्खियों में है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ना तो अभी तक टिकटॉक को बैन किया गया है और ना आगे टिकटॉक को बैन किया जाने वाला है, क्योंकि किसी भी ऐप की कम रेटिंग उसके बैन होने का कारण नहीं हो सकती। अब दूसरी बात आती है टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए, उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो टिकटॉक पर सच में मेहनत करते हैं। उन सभी से मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि मेरे दोस्त, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है कॉन्टेंट, कॉन्टेंट क्रिएटर। तो आपको प्लेटफॉर्म को हेट नहीं करना है, क्रिएटर को हेट करना है। टिकटॉक पर किसी क्रिएटर ने ये कॉन्टेंट बनाया, उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, तू रोए। और इसे देखकर सभी ने टिकटॉक को रोस्ट किया, टिकटॉक को खराब बोला। पर आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह का कंटेंट किसी और क्रिएटर ने किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला? इससे कहीं ज्यादा डिटेल में ऐसा ही कंटेंट यूट्यूब पर भी है। तो क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म खराब है? नहीं ना मेरे दोस्त, हमें यह बात समझनी होगी कि क्रिएटर ही गंदा और अच्छा होता है, प्लेटफॉर्म कभी कोई गंदा और अच्छा नहीं होता, उसे बनाने वाले हम होते हैं। और सिर्फ चाइना का ऐप होने से हम टिकटॉक को खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना की और बहुत सारी कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो क्या आप उन सभी को बंद कर दोगे? टिकटॉक चाइना का है, यूट्यूब अमेरिका का है और लड़ते इंडिया वाले हैं। कितनी अजीब बात है ना, ऐसा नहीं करना, हमें इस चीज से आगे निकलना है। तो मेरे दोस्त, बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म कभी किसी को खराब नहीं बनाता, खराब बनाते हैं उसके क्रिएटर। जब क्रिएटर ही गंदा पोस्ट नहीं करेंगे तो किसी को कुछ भी खराब दिखेगा ही नहीं। तो आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी गंदे क्रिएटर को सपोर्ट ना करें, अब चाहे वो टिकटॉक का क्रिएटर हो या यूट्यूब का क्रिएटर हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का। ओके दोस्तों, होप करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।